उस होटल का नाम था होटल मार्स। मंगल ग्रह के नाम पर खुले इस होटल की बातें भी विचित्र थीं। उसकी ये विचित्र बातें ही लोगों को वहां आने के लिए मजबूर कर रही थीं। वैसे भी होटल जिस जगह खुला था उसके आसपास कई बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं थीं। अणु शक्ति का नया और विशाल केंद्र अभी हाल ही में खुला था। वहां काम करने वाले लोग जब मशीनी काम से ऊब जाते तो मनोरंजन के लिए होटल में पहुंच जाते थे। यह होटल शहर से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर खुला था। फिर भी इतनी दूरी की यात्रा करके इस होटल में लोगों का आना मामूली बात हो गई थी। आसपास के वैज्ञानिक केंद्रों के वैज्ञानिक अधिकारी, यहां तक कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी तक उस होटल के ग्राहक थे। होटल मार्स सुबह 8 बजे खुल जाता था और रात 12 बजे तक खुला रहता। बंद होने से पहले वहां अलार्म बजता और सब लोग बाहर चले जाते। इस होटल की एक विचित्र बात यह थी कि यहां ना तो कोई सेवक था और ना ही कोई प्रबंधक आदि। इस होटल की व्यवस्था कौन करता है यह एक रहस्य ही था। किंतु यहां आने वालों को इस बात की अधिक चिंता ना थी, क्योंकि वे यही सोचते थे कि शायद यह नए तरीके का होटल है, इसलिए इसका इंतजाम करने वाले चुपचाप कहीं बैठे रहते हैं। होटल का सारा काम स्वचालित मशीनों से होता था। लोग आते और मेज के एक कोने पर लगे मेनू कार्ड को पढ़कर प्रत्येक चीज के सामने लगे बटन को दबा देते। जैसे अगर कोई 3 कप कॉफी चाहता है तो वह कॉफी के सामने वाले बटन को 3 बार दबा देता। इसी तरह खाने पीने की बाकी चीजों के लिए भी ऑर्डर दिए जाते थे। कुछ ही मिनटों के अंदर एक ट्रॉली आती और उसी मेज के सामने रुक जाती जिससे ऑर्डर दिया जाता। उस ट्रॉली पर एक ट्रे में सभी चीजें रखी होती। लोग उस ट्रे को उठा लेते। ट्रे उठाते ही ट्रॉली अपने आप वापस चली जाती। कुछ देर बाद ट्रॉली फिर आती, इस बार उसमें बिल होता था। लोग बिल का भुगतान करके ट्रे वापस रख देते और ट्रॉली फिर चली जाती। उस होटल में यह संभव नहीं था कि कोई बिना बिल चुकाए चला जाए। एक दो बार कुछ लोगों ने इस बात की चेष्टा की, किंतु वे जैसे ही मेज छोड़कर आगे बढ़े कि होटल में घंटी घनघनाने लगी। वहां बैठे सभी लोग तुरंत समझ गए कि वे बिल चुकाकर नहीं जा रहे हैं। बेचारे शर्म के मारे वापस अपनी सीटों पर फिर बैठ गए और ट्रॉली आने पर बिल चुकाकर ही वापस जा सके। वीनू भी एक दो बार अपने पिता के साथ उस होटल में जा चुका था। उसके पिता ओंकारनाथ श्रीवास्तव अणु शक्ति केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे। वीनू को वह होटल कुछ रहस्यमय जान पड़ता था। उसने अपने पिता से कई बार इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने जवाब में वही बातें कही जो आमतौर से सभी लोग सोच रहे थे। लोगों का मानना था कि यह रोबोट संचालित होटल है जिसका नियंत्रण अलग बने किसी कक्ष से होता होगा। वैसे इस नए ढंग के होटल से सभी खुश थे, किंतु वीनू परेशान रहता था। उसने मन ही मन इस होटल के सभी पहलुओं को जानने का निश्चय किया। आखिर एक दिन वीनू शाम को उस होटल में जाकर बैठ गया। वहां की हर एक चीज को ध्यान से देखता रहा। उसने देखा कि वह जिस बड़े हॉल में बैठा है वह चारों ओर से बंद है। केवल एक ओर से दरवाजा है जहां से लोग आते जाते हैं। दीवार के एक तरफ दो ट्रॉलियों के आने जाने का छोटा सा रास्ता है। ना तो कहीं कोई खिड़की है, ना ही कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां से छिपकर कोई कुछ देख सकता हो। होटल खुलने के बाद से आज तक कभी किसी ने वहां किसी को अंदर आते जाते नहीं देखा था। वीनू को लगा कि इसमें जरूर कोई रहस्य है और वह इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता था। उस रात वीनू होटल में ही बैठा रहा। जब 12 बजने में 15 मिनट पहले अलार्म की घंटी बजी तो वीनू भी
और लोगों के साथ उठा और चुपचाप डिटेक्टर मशीन की ओट में दीवार के सहारे छिपकर बैठ गया। ठीक 12 बजे होटल बिल्कुल खाली हो गया था और उसका मुख्य द्वार खड़खड़ाहट की आवाज के साथ बंद हो गया। वीनू सांस रोके हुए चुपचाप इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि बौने कद के कई लोग न जाने कहां से निकल आए। हरे रंग के वे लोग विचित्र आकार के थे। उनकी नाक बिल्कुल सूंड जैसी थी लेकिन आकार में छोटी थी। उनके हाथ पैर ऐसे थे मानो स्प्रिंग के बने हों। उन्होंने फटाफट उस होटल की मेजों के नीचे लगे टेप रिकॉर्डर निकाले और उन्हें बजा बजा कर सुनने लगे। वीनू ने यह सब देखा तो कुछ क्षणों तक समझ ही ना सका। वह यही सोचता रहा कि भला ये कौन लोग हो सकते हैं। वीनू बड़े ध्यान से यह सब देख सुन रहा था कि वे लोग टेप रिकॉर्डरों में क्या सुन रहे थे। वास्तव में उनमें उन लोगों की बातें रिकॉर्ड की गई थीं जो होटल में आकर बैठते और बातें करते थे। वीनू ने देखा कि जब कोई साधारण या घर द्वार की बातें होतीं तो वे टेप को आगे बढ़ा देते, लेकिन जैसे ही विज्ञान संबंधी किसी बात की चर्चा होती तो उसे वे तुरंत नोट करने लगते। वीनू को यह समझने में देर न लगी कि ये लोग हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक रहस्यों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। इसका साफ अर्थ यह भी था कि यह होटल नहीं जासूसी का अड्डा है। कहीं ये मंगल ग्रह से आए हुए जासूस तो नहीं है? और अगर यह होटल ना होकर कोई जासूसी विमान हुआ तो? वीनू का दिल घबराहट के कारण जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने सोचा कि अगर इन जासूसों को उसके बारे में पता लग गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वीनू को यह भय हुआ कि अगर कहीं यह कोई विमान हुआ और इसी समय उड़ गया तो उसका क्या हाल होगा। शायद उसके मुंह से चीख निकल जाती, किंतु उसने साहस से काम लिया। वह ध्यान से सुनने लगा कि वे बौने लोग विज्ञान की किन किन बातों को नोट कर रहे हैं। उसने सुना कि उन रिकॉर्ड किए गए टेपों में कुछ लोग हमारे देश की अणुशक्ति संबंधी योजनाओं की प्रगति की चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ लोग वैज्ञानिकों की कठिनाइयों और वेतन संबंधी बातों पर बहस कर रहे हैं। वीनू सोचने लगा, हम लोग भी कितने नादान हैं, अपनी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होटल जैसी जगहों पर करते हैं और यह भूल जाते हैं कि दीवारों के ही नहीं मेजों के भी कान होते हैं। उसे यह भी समझने में देर न लगी कि दूसरे ग्रह के ये जासूस हमारी विज्ञान की प्रगति का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। वीनू ने निश्चय किया कि जैसे ही सवेरा होगा वह तुरंत इस रहस्य को लोगों को बताएगा और देश को इस आने वाली मुसीबत से बचाएगा। लगभग 8 बजे तक उन बौनों ने वहां काम किया। उसके बाद वे टेप रिकॉर्डरों को पहले जैसा ही लगाकर चले गए। अब होटल बिल्कुल खाली हो गया था और उसका दरवाजा खुल चुका था। दरवाजा खुलते ही वीनू वहां से तेजी से बाहर निकलकर भागा। वीनू के भाग जाने के दूसरे ही क्षण दरवाजा अचानक तेजी से बंद हो गया। वह होटल एक बार जोर से ऐसे हिला मानो वहां भूकंप आ गया हो। भागता हुआ वीनू संभल ना सका और गिर पड़ा। एकाएक होटल बड़ी तेजी से घूमा और जूं ऊं करता हुआ पल भर में ऊपर उड़ गया। वीनू को यह समझते देर नहीं लगी कि विद्युत वेग से उड़ान भरने वाला वह होटल वास्तव में सुदूर ग्रह का विमान था। वीनू सहमा हुआ सारा दृश्य देखता रहा। शायद अब उनका रहस्य खुल गया था। इसी भय से वे लोग एक क्षण रुके बिना ही वहां से भाग गए। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की प्रयोगशालाओं से लोग बाहर निकल आए। वीनू ने हांफते हांफते उन लोगों को सारी बातें बताई। सारा घटनाक्रम जानकर लोग हैरान थे और शर्मिंदा भी।